प्रतिबंधित पॉलिथीन एवं प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 54 लोगों से 24,400 रुपए जुर्माना वसूला गया एवं 45 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया। प्रतिबंधित प्लास्टिक, पॉलिथीन डिस्पोजल आदि रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने अब नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे स्वयं ग्राहक बनकर दुकानों में पहुंच रहे हैं और प्रतिबंधित सामानों के पाए जाने पर निगम द्वारा गठित टीम को निर्देशित कर कार्रवाई करवाई जा रही है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे देर शाम प्रतिबंधित प्लास्टिक रखे दुकानदारों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से गोल मार्केट के सब्जी बाजार पहुँचे और प्रतिबंधित प्लास्टिक के बाबत जानकारी लेकर कार्रवाई करवाई। नगर निगम की टीम ने 45 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन डिस्पोजल आदि को अलग अलग स्थानों से जब्त कर कार्रवाई करते हुए 54 लोगों से 24,400 रुपए जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियमित रूप से नगर पालिक निगम क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही। इसी तारतम्य में आयुक्त महोदय द्वारा बाजार क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। स्वयं जो है निरीक्षण करते हुए उन्होंने जो निगम की गठित टीम है उनके द्वारा कार्रवाई करवाई। स्वयं आयुक्त जो है अपने ग्राहक बनकर पहुंच रहे हैं बाजार और मार्केट क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्रों में, और प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई कर रहे हैं। वर्तमान में 35 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक, कैरी बैग, डिस्पोजल और पॉलीथीन जिसमें शामिल थे उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई है। 54 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 24,400 रुपये जुर्माना भी वसूल किया गया। बहरहाल प्रतिबंधित पॉलीथीन डिस्पोजल को लेकर नगर निगम का अभियान जारी है। लगातार कार्रवाई के बावजूद कुछ छोटे बड़े दुकानदार प्रतिबंधित सामानों को रखने से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।